एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ हों। तो मैं आज फिर से लेकर आई हूँ लड्डू गोपाल की बहुत ही प्यारी सी, जो सबसे अलग, जो यूट्यूब पर पहली बार आप देख रहे होंगे इस ड्रेस को। तो ये डिज़ाइन बनाने वाली हूँ मैं आज की वीडियो में, सिखाने वाली हूँ। आ तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और औरों को भी आप ज़रूर शेयर करें। और मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है संध्या शर्मा 4308। वहाँ जाकर भी आप मुझे फॉलो, लाइक, कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ 0 नंबर के लड्डू गोपाल की चोली, भी मैं इसमें सिखाने वाली हूँ, क्योंकि जिनको चोली बनाना नहीं आता है उनके लिए मैं चोली से स्टार्ट कर रही हूँ। और डिज़ाइन के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी वाइट कलर, तो यहाँ मैं वाइट कलर भी यूज़ करूँगी जिससे मैं डिज़ाइन डालूँगी। तो सबसे पहले बनाते हैं हम चोली। तो चोली का मेजरमेंट मैं आपको दे देती हूँ, तो चोली का आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तो मैंने इसमें जो है साइड में नंबर्स दिए हुए हैं, 0 नंबर से 10 नंबर तक के लड्डू गोपाल की चोली का मेजरमेंट दिया है, जिसमें हमने चेन कितने लेने हैं ये मैंने लिखा हुआ है। और यहाँ पर जितनी लाइन हमने बनानी है, जिनके लाइन के बाद हमने मुड्ढे बनाने होते हैं, तो कितनी लाइन के बाद हमने मुड्ढे बनाने होते हैं वो भी मैंने इसमें दिया हुआ है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं यहाँ पर 0 नंबर के लिए, लड्डू गोपाल के लिए जो बनाऊँगी ड्रेस, इसमें बताऊँगी डिज़ाइन। तो मैं 12 इसमें चेन लूँगी। तो चलिए इसे तो हम रख देते हैं साइड में और शुरू करते हैं ड्रेस बनाना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बनाएंगे नॉट। नॉट बनाकर बनाना यही तरीके से है, इसी तरीके से जो भी साइज़ आप बनाएंगे बनाना इसी तरीके से है। तो यहाँ पर हम 12 चेन लेंगे, तो मैं 12 चेन ले लेती हूँ। देखिए 12 चेन लेने के बाद हमने यहाँ पर फिंगर रख लेनी है, और 1 2 3 चेन लेने हैं, धागा डबल करना है, और 1 2 3 चौथी चेन जो हमने दबा रखी है उसमें हम डबल क्रोशिया लेंगे। इसके बाद हर एक चेन में हमने डबल क्रोशिया लेना है। इसमें मैंने हाफ डबल क्रोशिया लिखा हुआ है, तो आप इसको हाफ डबल क्रोशिया अगर ले रहे हैं तो इसको हम डबल क्रोशिया नहीं लेंगे, इसको हम सिर्फ हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, जिसके लिए हमने सिर्फ एक चेन एक्स्ट्रा लेनी है। 12 के बाद हमने यहाँ पर फिंगर रख लेनी है, एक चेन हमने एक्स्ट्रा रख लेनी है, और दूसरी चेन में हमने डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया लेना है, जो कि हमने सिर्फ इस तरीके से लेना है। 3 लूप को हमने एक कर देना है इस तरह से, धागा डबल करेंगे, नेक्स्ट में हम लेंगे 3 लूप को एक कर देना है। अगर हम पहली लाइन हम हाफ डबल क्रोशिया की बनाते हैं तो मेजरमेंट जो है वो बिल्कुल फिट आता है, बहुत ही अच्छे से उनको आ जाता है, बहुत लूज़ नहीं होती है ड्रेस। तो देखिए इस तरह से हमने 3 लूप्स का एक कर देना है, और हर एक चेन में से इस तरीके से ही बनाते हुए ये वाली रो हम कंप्लीट कर लेंगे। रो हमारी कंप्लीट हो गई है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम 2 चेन लेंगे, इसको हम इस तरह से पलट देंगे, और यहाँ पर जो तीसरी चेन है उसमें से डबल क्रोशिया निकालना है, और साथ ही साथ ये वाला धागा भी हम बंद कर देंगे। आप चाहें बाद में भी क्रोशिया से इसको अंदर कर सकते हैं, मैं साथ के साथ ही इसको बंद कर देती हूँ। तो देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पर हमारे पास हो गए 2 डबल क्रोशिया ये वाले। अब हमने यहाँ पर नेक्स्ट वाले में भी 2 डबल क्रोशिया लेने हैं इस तरह से, यानी हर एक चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया लेने हैं, एक चेन में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन में 2 डबल क्रोशिया, इस तरह से इस वाली रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए रो हमारी कंप्लीट हो गए हैं, तो यहाँ पर हमारे डबल हो गए हैं, 12 के हमारे पास 24 क्रोशिया हो गए हैं। उसके बाद धागे डबल, 2 चेन लेंगे, इसको हम पकड़ लेंगे, धागा डबल करेंगे इस तरह से। तो अब हमने क्या करना है, देखिए हमें यहाँ पर मुड्ढे बनाने हैं, तो मुड्ढे बनाने के लिए हमें जो 12 क्रोशिया हमारे हैं उन्हें हम 6 भागों में डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास 4 4 डबल क्रोशिया आएंगे। तो देखिए एक तो हमारा ये है, इसको हम एक मानकर चलते हैं, एक, सॉरी यहाँ पर हमने 2 चेन ले ली हैं। अब हमने यहाँ पर आगे की साइड तीसरा जो क्रोशिया है उसमें से हमने चेन निकाली, डबल क्रोशिया लिया है। तो अब हमने हमारे पास यहाँ पर एक चेन में हमने लिया है, और ये दूसरी चेन में डबल क्रोशिया लिया है, तीसरी चेन में डबल क्रोशिया लिया है, और चौथी चेन में डबल क्रोशिया लिया है। उसके बाद देखिए 1 2 3 4 स्किप कर देना है, उसके बाद 5वें में हमने डबल क्रोशिया डालना है इस तरह से, और यहाँ पर हमने
आठ डबल क्रोशी लेने हैं, तो एक हमने ले लिया है और आठ डबल क्रोशी और हम यहाँ पर ले लेंगे। आठ डबल क्रोशी हमने ले लिए हैं। अब हमने यहाँ पर एक दो तीन चार, चार स्किप कर देने हैं, पाँचवीं में हमने डबल क्रोशिया लेना है। अब यहाँ पर हो गया हमारा एक डबल क्रोशिया, दो, तीन और लास्ट वाला ये चार, चार डबल क्रोशिया हमारे हो गए। इसको हम सीधा कर लेंगे। देखिए ये साइड हमारी सीधी है तो हमने इसको सीधा कर लिया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने दो चेन लेनी है इस तरह से, और तीसरी चेन में ही हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया डालना है। और ये वाली जो लाइन है हमने एक बार, एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया लेते हुए पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। हर एक चेन में एक बार डबल क्रोशिया लेते हुए देखिए ये हमारी जो चोली का जो लास्ट है, लास्ट वाले में हमने दो बार डबल क्रोशिया लेना है, डबल लेना है इस तरह से, जिससे चोली का जो शेप है वो बिल्कुल सीधा आए इस तरह से। देखिए तो ये हमारी चोली तैयार है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको चोली को हम कर लेंगे जॉइंट। तो जॉइंट करने के लिए इस वाले क्रोशिए में से हम जो यहाँ पर हमारा पहला क्रोशिया आ रहा है पहले चेन में से इस तरह से, और ये वाला लूप हम निकाल लेंगे इस तरह से, ये जॉइंट हो जाएगी चोली। और दो चेन लेंगे और जिसमें से हमने लूप लिया है उसी चेन में से हमने डबल क्रोशिया लेना है। हमने सभी चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया ले लेना है, सभी चेन में हमने सॉरी दो बार डबल क्रोशिया लेना है, एक चेन में दो डबल क्रोशिया और एक चेन में दो डबल क्रोशिया, इस तरह से इस वाली रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी लास्ट तक कंप्लीट हो गई है। अब इस फर्स्ट सेकंड थर्ड चेन में लाकर हम इसको स्लिप स्टिच से बंद कर देंगे। अब हम दो चेन लेंगे। अब जो नेक्स्ट चेन है ये वाली दिखाई दे रही है, इसमें हमने दो डबल क्रोशिया लेना है, क्योंकि जो चेन लिए है वो हमारा एक डबल क्रोशिया है सिंगल, और ये हो गया डबल। उसके बाद नेक्स्ट चेन में एक बार, फिर उसके बाद नेक्स्ट चेन में दो बार, यानी एक चेन में एक बार और एक चेन में दो बार डबल क्रोशिया लेते हुए हम इस वाली रो को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए थर्ड चेन में लाकर इसको हम जॉइंट कर देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। और अब हमें बनाएंगे तीसरी रो बनाएंगे इसकी, और तीसरी रो में हमने दो एक 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 चेन में एक बार, एक चेन में एक बार और एक चेन में दो बार, इस तरीके से एक चेन में एक बार, एक चेन में एक बार और एक चेन में दो बार, इस तरीके से हमने ये रो अपनी कंप्लीट कर लेना है। देखिए ड्रेस हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ से स्लिप स्टिच से हमने बंद कर दिया है, और एक चेन लेकर इसको धागे को हम कट कर देंगे इस तरह से। तो हमारी यहाँ पर ड्रेस तैयार है छोटे से नन्हे से लड्डू गोपाल के लिए। आप देखिए अब हम डालेंगे इसमें डिज़ाइन। तो डिज़ाइन के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ वाइट कलर। आपको जो भी कलर सूट करे अपनी ड्रेस के कलर की पोशाक में, तो आप वही कलर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक नोट बनाना है डिज़ाइन के लिए। मैंने लास्ट में लड्डू गोपाल को पहना कर भी मैं आपको दिखाऊंगी, और मैंने बड़े लड्डू गोपाल के लिए भी मैंने ये ड्रेस बनाई हुई है, तो उनको भी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो कैसे लग रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने जो चेन लूप बनाया है इसके लिए हमें अब दूसरा क्रोशिया चाहिए, तो 12 नंबर क्रोशिया को हम रख देते हैं। और अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे 6 नंबर का क्रोशिया। तो 6 नंबर का क्रोशिया बहुत पतला धागे वाला होता है, तो इसको हम यूज़ करेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पर चेन बनाएंगे इस तरह से, हमने यहाँ पर चेन बनानी है। तो यहाँ पर हम चेन बना लेंगे लगभग तो मैं यहाँ पर लगभग इसमें बनाऊंगी 90 चेन, 90 चेन में इसमें बनाऊंगी। इसमें हम अंदाज से चेन बनाते हैं, जितनी चौड़ाई हमारी इसकी होती है उसकी डबल हमने चेन बनानी होती है नाप कर। इस तरह से हम चेन को नाप लेंगे, तो जितनी चौड़ाई हमारी इसकी होती है उससे डबल हमने जो चेन बनानी होती है। तो देखिए चेन मैंने बना ली है। अब हमने क्या करना है, ये दो तरह से बनाई जाती है, आपको कम घना चाहिए और ज़्यादा घना चाहिए, दोनों ही तरीके मैं इसमें बताऊँगी। देखिए
ये जो इस तरह से हम लूप बनाएंगे, ऐसे टाइट कर लेंगे इसे थोड़ा, और फर्स्ट चेन तो हमारी ये है, देखिए फर्स्ट चेन ये है, सेकंड जो चेन है उसमें से हमने, ये हमारा फर्स्ट लूप हो गया, और इसके बाद सेकंड लूप इस तरह से लेना है, और उसके बाद नेक्स्ट वाला जो चेन है, देखिए नेक्स्ट वाली जो चेन है उसमें से भी हमने इस तरीके से एक लूप और दो लूप, एक में से हमने दो दो लूप लेने हैं इस तरीके से। अंगूठा आप यहाँ रखते जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका लूप लूज़ नहीं होगा, और आपको लगे कि अब मैं ज़्यादा नहीं बना सकती तो आप वहीं तक इसको छोड़ दें। तो देखिए मैंने यहाँ तक इसको छोड़ दिया, उसके बाद इसको निकाल देंगे और जो पहला वाला लूप है उसमें क्रोशिया डाल देंगे और हाथ इस तरीके से रखेंगे। फिर नेक्स्ट वाले में हम डबल बनाएंगे, दो बार लूप बनाएंगे इस तरह से। लूप आप अपने अनुसार लंबा और कम लंबा कर सकते हैं इस तरह से, और फिर आप इस तरीके से बनाते जाएं। मैं थोड़ा सा बना के दिखा रही हूँ आपको इस तरह से, और इसको छोड़ देंगे। तो ये वाला हिस्सा है हमारा, इसको हमने इस तरीके से घुमाते जाना है, तो ये घूमता हुआ जाएगा। तो मैं थोड़ा और बड़ा कर लेती हूँ इसको, देखिए थोड़ा सा बड़ा और कर लिया है मैंने, और इसको इस तरीके से घुमा दिया है। घुमाते हुए ज़रूर जाना है ताकि जो राउंड जो इसका बनता जाता है उसी से इसकी शेप आती है। तो इस तरीके की जो शेप आएगी इसकी, और इसको हमने पूरा ही इस तरीके से बना लेना है। देखिए चेन हमारी कंप्लीट हो गई है, अब हमने क्या करना है, इसमें हमने दो ली थी, इसमें एक और लेंगे लूप, और इस वाले जो एक्स्ट्रा हमने लिया है तीसरा लूप उसको हम कर देंगे इस तरह से खींच के लंबा इस तरह से, और चाहे आप यहीं कट कर सकते हैं चाहे आप इसमें सुई डाल सकते हैं। तो मैं अलग से सुई डालूँगी, इसको नापने के बाद मैं सुई डालूँगी, तो हम इसको कर देते हैं अलग, और इसको अच्छे से एक बार और अच्छे से फोल्ड कर लेते हैं। और हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा बच गए हैं चेन, इनको हम नीचे की साइड कर देंगे, दबा देंगे और एक्स्ट्रा कट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे अब हम सुई में धागा डाल देंगे, देखिए सुई में हमने धागा डाल दिया है। अब इसके किनारे पर हम एक नॉट लगा के लूप बनाएंगे, लूप बना लिया है। अब हमने क्या करना है, इस लूप को यहाँ पर इस तरह से स्टिच कर देंगे, इस तरह से हम जब इसको ले लेंगे तो यहाँ पर ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा, इस तरह से अच्छे से फिक्स हो गया है। एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर देंगे जो कि हमारा एक्स्ट्रा दिख रहा है। अब देखिए अब क्या करना है, इसे हम यहाँ पर ले जाएंगे, इस जगह यहाँ रखेंगे, जो इसके स्टार्टिंग जो हमने की थी उसको हम ढूंढेंगे किधर है। तो ये हमारी स्टार्टिंग है, तो यहाँ पर हमने सुई को इस तरह से खींचना है, यहाँ पर हमारा स्टार्टिंग है। अब देखिए यहाँ से हमने फर्स्ट और सेकंड स्किप कर दिया, थर्ड में हमने इस तरह से धागा डाला है। अब जो भी आपको यहाँ पर ट्विस्ट वाला हिस्सा दिख रहा है जहाँ पर, तो वो ट्विस्ट वाला हिस्सा इसके पास लाना है, इस तरह से मुड़ा हुआ हिस्सा यहाँ लाना है, और इसमें से हमने इस तरह से धागा निकालना है, और फिर हमने एक चेन स्किप कर देनी है, एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में इस तरह से हम इसको सिलाई लगा देंगे। लूप्स को अच्छे से आप निकालते जाएं, जो लूप्स फंस जाते हैं उनको आप निकालते जाएं इस तरह से। अब देखिए नेक्स्ट वाला हमारा जो ट्विस्ट आ रहा है, अगर नहीं आता तो आप ट्विस्ट करके ऐसे ले आएँ उसको पास में, ये देखिए उसके पास में आ गया ये, और फिर से यहाँ से हम इस ट्विस्ट वाले हिस्से में से सुई निकालेंगे ऐसे, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है जो कि हमारे जो इसमें सिकुड़न ना नहीं आए, जो हमारा एरिया हमारा फैला हुआ है ऐसा ही रहे, इस तरीके से हमने इसको स्टिच कर देना है। तीसरे इसमें हिस्से में लूप्स को आप साथ के साथ निकाल दें इस तरह से, ताकि वो उसके साथ स्टिच ना हो जाए लूप,
और देखिए इसका ट्विस्ट वाला हिस्सा ये रहा। तो इस तरीके से ही हमने ये स्टिच करते हुए लास्ट तक जाना है। तो मैं पूरा स्टिच कर लेती हूँ इसको, फिर बताती हूँ आगे क्या करना है। देखिए ये हमने स्टिच कर लिया है। अब इस वाले कोने से इस वाले कोने को मैच करके और इसको हम यहाँ पर एक नॉट लगा देंगे, जिससे कि ये फिक्स हो जाए और धागा हमारा लूज़ ना हो इस तरह से। और इसको भी हम अच्छे से यहाँ पर एक और नॉट लगा देंगे। अब हमारे पास जो एक्स्ट्रा धागा बच गया है, यहाँ पर इसमें भी एक नॉट लगा देंगे और एक्स्ट्रा को हम कट कर देंगे। पहले से ही हम कट करेंगे तो ये हमारी चेन है वो खुलती चली जाएंगी। तो इसको हम एक कट लगा नॉट लगा कर यहाँ से हम कट कर देंगे एक्स्ट्रा को, और धागे को भी हम कट कर देंगे। और ये जो तैयार हो गई हमारी प्यारी सी प्रिटी सी ड्रेस। और जो ये धागा है रेड कलर का, वो आप क्रोशिए से अंदर की साइड कर दें। जो भी धागे निकले हुए हैं उन्हें आप क्रोशिए से अंदर कर दें। और इस तरह से हमारी जो है प्रिटी सी जो ड्रेस है वो रेडी हो जाती है। तो ये हमारे 0 साइज़ के लड्डू गोपाल के, तो मैंने पिन्हा कर दिखाती हूँ। और जो किनारा है हम सिंगल क्रोशिया से इसको बना लेंगे। तो ये हैं हमारे छोटे से लड्डू गोपाल। तो देखिए, और मैंने इनकी कैप भी तैयार की हुई है। और कैप और बनाने का और नेफी बनाने का जो मेथड है चार्ट के साथ मैंने अपनी वीडियोस में दिया हुआ है, तो आप इनको बनाना वहाँ से सीख सकते हैं 0 से 10 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए। तो देखिए यहाँ पर हमने इनको सबसे पहले किस तरह से ड्रेस बनानी है। बंद ड्रेस को बनाना बहुत आसान होता है, बस एक ट्रिक होती है कि आपको सबसे पहले इनके हाथ में यहाँ फंसाना होता है बाजू को, उसके बाद आप इनकी गर्दन में इस तरह से डालें और इसको फिर दूसरे हाथ की तरफ ले जाएं और दूसरा हाथ भी इस तरह से पहना दें। अच्छे से पोशाक को आप सेट कर दें। देखिए ये प्यारी सी बहुत ही सुंदर सी ड्रेस हमारी बनकर तैयार हो गई है। बिल्कुल फिक्स ड्रेस ये आई है, आराम से लड्डू गोपाल इसमें ढक गए हैं। ऊपर से आप ये वाली कैप इनको पहना सकते हैं। आई होप आपको ये ड्रेस पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और साथ ही शेयर भी आप कर सकते हैं। तो बड़े लड्डू गोपाल के लिए आप ये वाली डिज़ाइन आप कैप में भी डाल सकते हैं, जो कि आप देख रहे हैं मैंने डाला हुआ है। इस तरह से इसका लुक आएगा। और आई होप आपको ये पसंद ज़रूर आई होगी ड्रेस। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्यारे प्यारे क्राफ्ट के साथ। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और मेरे चैनल बने रहें। बाय बाय।